हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। नेक्स्ट वीडियो लेसन लेकर आपके लिए आ गया हूं मैं। इसमें फिर से मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस जिनका आप यूज कर सकते हैं, जो आप हिंदी में बोलते रहते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आइए, आपका इंतजार था, कोई आता है तो हम उसे बोलते हैं ना, आइए आपका ही इंतजार था, तो कैसे बोलेंगे? कम कम कम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, या फिर वी वर वेटिंग फॉर यू। कम, वी वर वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, We were waiting for you. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। I was waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आइए, आपका इंतजार था। दोस्तों, ये कैसे सेंटेंस लिखा है मैंने? एक ब्लैंक छोड़ दिया बीच में। वो ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उस ब्लैंक में काफी चीजें आ सकती हैं। Isn't around। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा Your friend isn't around, इसका मतलब है तुम्हारा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर। यार भाभी नहीं दिखाई दे रही कहीं पर। यार तेरे पापा नहीं दिखाई दे रहे कहीं पर। यार राहुल ने दिखाई दे रहा आज कहीं पर। तेरी गर्लफ्रेंड ने दिखाई दे रही कहीं पर। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कभी किसी से मिलने जाते हैं और मिलना हमें किसी और से होता है, तो हम बातों बातों में कहते हैं ना, यार नेहा नहीं दिखाई दे रही कहीं पर, नेहा इजंट अराउंड। इस तरीके से हम बोलेंगे इंग्लिश में, नेहा इजंट अराउंड, नेहा कहीं नहीं दिख रही। इसको हमें थोड़े फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, नेहा इजंट अराउंड, नेहा नहीं दिखाई दे रही कहीं पर। इस तरीके से हमें बोलना है, राहुल ने दिखाई दे रहा कहीं पर, राहुल इजंट अराउंड। तेरा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर, योर फ्रेंड इज इन अराउंड। उसे भी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अभी तक तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। बाय नाउ का मीनिंग दोस्तों, बाय नाउ यानी अभी तक तो। ही शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अगर आने वाली लड़की हो तो दोस्तों ही की जगह पर शी आ जाएगा। शी शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, उसे अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। शी शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अब बार बार बोलने से क्या आप समझ तो गए दोस्तों। मैंने तुम्हें दुखों के अलावा कुछ भी नहीं दिया आज तक। I have given you nothing but trouble, यानी कि ट्रबल का मतलब मुसीबत। दोस्तों ट्रबल क्या होता है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बड़े अच्छे से ट्रबल और प्रॉब्लम में डिफरेंस बताया था उसमें मैंने। समझना हो तो उस वीडियो को देख लेना, मजा आ जाएगा। I have given you nothing but trouble, मैंने तुम्हें तकलीफ के सिवाय, मुसीबत के सिवाय दिया ही क्या है। I have given you nothing but trouble. दोस्तों ये nothing और but का जो मेल है ना, काफी काम का है ये। इससे बहुत सी चीजें होती हैं nothing और but से, nothing but। अब इस nothing but को मैं आपको काफी sentences में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इससे कई तरीके के sentences बन सकते हैं। देखिए, वो खेलने के अलावा और कुछ नहीं करता। He does nothing but play. दोस्तों he के साथ does आ रहा है क्योंकि ये present indefinite tense है। दोस्तों आपको पता है, मैं फिर से कहूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पहले काफी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया है। तो यहाँ पर क्या है, वो खेलने के अलावा और कुछ नहीं करता। ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, यानी कि बस वो खेलता ही है और कुछ नहीं करता। वहां फूल ही फूल थे, इसको हम बोल सकते हैं देयर वॉज नथिंग, वहां पर कुछ नहीं था, बट flowers. There was nothing but flowers. There was nothing but flowers. वो खाने के सिवाय और कुछ नहीं करती। She does nothing but eat. She does nothing but eat. She does nothing but eat. तो दोस्तों nothing but something, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं काफी तरीके की बात कहने के लिए। वहां फूल ही फूल थे, there was nothing but flower. जब दो शब्दों को इस तरीके से कहा जाता है ना, जैसे फूल ही फूल, पानी ही पानी, लोग ही लोग, बैग ही बैग। दोस्तों कभी आप शॉपिंग करने जाते हो तो बाजार में कहीं पे लिखा नहीं रहता कुर्ते ही कुर्ते। इस तरीके से जब भी ऐसी चीज लिखी हो दो बार तो उसको हम नथिंग बट समथिंग ऐसे बोलेंगे। जैसे पानी ही पानी, नथिंग बट वॉटर, फूल ही फूल, नथिंग बट फ्लावर्स, लड़कियां ही लड़कियां, नथिंग बट गर्ल्स, जूते ही जूते, नथिंग बट शूज, अंधेरा ही अंधेरा, नथिंग बट डार्क। इस तरीके से दोस्तों इस फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल फ्रेज है ये। दोस्तों अगर इस तरीके के अमेजिंग लेसन्स आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स ऐसा करना। दोस्तों इस तरीके के अमेजिंग लेसन्स आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं कोई नई चीज सिखाने के लिए तो आपको फटाफट पता चल जाए, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें।
दोस्तों हमारे चैनल का नाम ही है लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश, आओ अपने इंग्लिश को बेहतर बनाएं, इंग्लिश को सुधारें। दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, हम आपके लिए लाते रहेंगे बेहद मस्त से मस्त लेसन्स और आपकी इंग्लिश को करते रहेंगे इम्प्रूव। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।